हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टू चैप्टर फाइव ऑफ सेटिंग अप सब्जेक्ट ऑफ सी एस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल एल पी ठीक है तो ये चैप्टर में हम एल एल पी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एल एल पी एग्जैक्टली होता क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है मेरिट्स डी मेरिट्स क्या है उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है और इसके कंप्लायसेस क्या क्या है चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ uh, देखिए फ्रेंड्स ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे फॉर्म नंबर्स मतलब अलग अलग सिनेरियो में जो अलग अलग फॉर्म्स लगते हैं जिसमें अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है वो हमारे सामने यहाँ पे आने वाले हैं तो uh, मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे हम एक एक फॉर्म देखें आप हो चाहिए तो आपके मॉड्यूल में या फिर आपने कोई नोट्स के लिए बुक बनाई होगी उसमें एक फॉर्म की लिस्ट बना के रखे अलग से कि फॉर्म वन ये पर्पज के लिए फॉर्म टू ये फॉर्म थ्री ये एंड सो ऑन ओके तो जिससे कि आपको रिवाइज करते वक्त एक ही जगह पे पूरे फॉर्म्स मिल जाएंगे और वो फॉर्म्स आप आंसर लिखते टाइम अच्छे से आप आपके आंसर में लिख पाओगे ठीक तो है तो चैप्टर शुरू करते हैं अभी एल एल पी एग्जैक्टली क्या है डेफिनेशन ऑफ एल एल पी एल एल पी इज अपोरेट बिजनेस वेहीकल दैट एनेबल्स प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रीनियर इनिशियटिव टू कंबाइन एंड ऑपरेट इनिबल इटिव एंडिशियर प्रोवाइडिंग बेनफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी वाइल अलाउंग इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ पार्टनरशिप ओके तो अभी अपन हिंदी में थोड़ा समझ के लेते इन्हों ने क्या बोला है एक बिजनेस वेहीकल है ओके बिजनेस व्हीकल मतलब यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं हो रही है दोस्तों यहाँ पे व्हीकल मतलब एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन ओके okay? तो उसको बोला जाता है बिजनेस व्हीकल जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है तुम सोल प्रोपराइटर हो या पार्टनरशिप हो या एल हो या कंपनी हो तो वैसे ही टर्म्स में बिजनेस व्हीकल यह टर्म यूज किया जाता है Enables professional expertise and entrepreneurial initiative to combine and operate in a flexible, innovative and efficient manner। तो मतलब क्या एक ऐसा vehicle LLP hum apne हम अपने को प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमको dekhne ko देखने को मिलेगा एंटरप्रीनियर uh, इनिशिएटिव देखने को मिलेगा एंटरप्रेनियर इनिशिएटिव मतलब क्या तो बेसिकली कोई भी एंटरप्रीन्यर uh, जो बिजनेस करना चाह रहा है जो कोई भी कमर्शियल एक्सप कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करने वाला है कमर्शियल एक्टिविटी मतलब बिजनेस इन शॉर्ट और इसको क्या कर रहा है वो कंबाइन करने दे रहा है क्या कंबाइन करने दे रहा है तो लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी के फायदे भी दे रहा है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पार्टनरशिप की तरह भी रख रहा है मतलब उसको पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर मिल रहा है बट साथ ही साथ उसको एक एडवांटेज मिल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी का हमने पार्टनरशिप लास्ट चैप्टर में देखा था कि उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी सफर करना पड़ता है अगर पार्टनर्स मतलब बिजनेस में से पूरा लोन रिकवर नहीं हो पाता है तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सीज किया जा सकता है बट एल में वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई यहाँ पे थोड़ा इनोवेशन मिल गया किस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी या इनोवेशन मिला तो यहाँ पे पार्टनर्स को लिमिटेड लाइबिलिटी दी जा रही है और स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है तो पार्टनरशिप जैसा ही है ठीक है अगर एल एक्ट की बात करें तो उसका मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट कंपनी जैसा ही डेफिनेशन है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रायर एक्ट्स ठीक है तो नेक्स्ट है, है हमारे डिस्कशन के लिए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एलएलपी के फीचर्स क्या है बेसिकली एलएलपी में क्या-क्या फीचर्स -क्या रहते हैं क्या-क्या अलग देखने को मिलता है वो हम इस पर इधर देखेंगे तो देखिए मैं आपको आ, कीवर्ड्स बताते जाऊंगा आप उसको आपके मॉड्यूल में अंडरलाइन कीजिए हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एल के हेडिंग के नीचे हैं ठीक है एल एल पी इज अपोरेट है तो आप सेपरेट एंटिटी को अंडरलाइन करके रखिए ये अंडरलाइन किस लिए कर रहे हैं दोस्तों हम ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो बस कुछ वर्ड्स पढ़ के ही आपको पूरा आंसर इसका रिवाइज हो जाए ठीक है तो separate entity को uh, underline करके रखो मतलब क्या तो uh, company जैसा इसको separate legal entity का दर्जा मिला हुआ है और आगे perpetual succession को underline कर दो हमने पार्टनरशिप में देखा था कि अगर पार्टनर कोई रिटायर होता है इंसॉल्वेंट वगैरह होता है तो पार्टनरशिप को डिजोल्व करना पड़ता है बट यहाँ पे वैसा नहीं है यहाँ पे आपको परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा फिर गवर्न बायपी एक्ट अंडरलाइन कर दीजिए Uh, and partnership act is not applicable to it. Okay? फिर uh, shall use words limited liability partnership. Third point mein isko underline kijiye Shall use words limited liability partnership. ya fir LLP. मतलब basically क्या बोल रहे हैं कि आपका जो भी नाम रहेगा, आपको आगे LLP लगाना पड़ेगा. जैसे company में uh, prohibition है, sorry uh, company में compulsion है क्या कि अगर private company है तो नाम के आगे कि private limited लगाना है. Limited है तो limited लगाना है. तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है आपको नाम क्या आगे एल लगाना है समझो मेरे को ABC बोल के मेरा बिजनेस चलाना है तो मैं एल एल एन एग्रीमेंट बिटवीन अंडरलाइन कीजिए और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर डिटर से पार्टनरशिप जैसा ही फीचर uh, है देखे यहाँ पे क्या है तो जो भी पार्टनर्स है वहां पे एग्रीमेंट रहता है सिमिलर टू ओल्ड फैशन पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के वजह से ही उनको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मिलते हैं कि किसको क्या क्या राइट है और किसको क्या क्या ऑब्लिगेशन निभाने हैं ओके देन एल एल पी बींग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज लाइबल फॉर ऑल इट्स अ लिमिट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड इसको अंडरलाइन कीजिए कि लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड ओनली टू द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम इतना अंडरलाइन कीजिए ठीक है? तो नो पार्टनर शैल बी इंडिविजुअली लाइबल तो पार्टनर्स को घर के एसेट्स नहीं है, जितना उसने में पैसा डाला है उतने के लिए ही वो लाइबल रहेगा ओके बट अगर मान लो केस चालू होता है केस में आगे चल के ऐसा प्रूफ होता है कि ये एलएलपी जो है बेसिकली इसका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था मतलब एलएलपी आपने फ्रॉड करने के लिए ही बनाई है या फिर पार्टनर्स ने जान के कोई फ्रॉड किया है पार्टनर्स ने जान के कोई फ्रॉड किया है और सारे पार्टनर्स को उसकी नॉलेज थी या कुछ पार्टनर्स को उसकी नॉलेज थी तो जो भी पार्टनर्स को फ्रॉड की नॉलेज रहेगी वो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी तो यहां पे ये यह एक्सेप्शन है वैसे देखा जाए तो एलएलपी की लाइबिलिटी किससे रहती है लिमिटेड रहती है जितना बिजनेस में पैसा लगा है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी रहती है बट अगर ऐसा प्रूफ होता है कि फ्रॉड के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है तो जो जो पार्टनर्स को फ्रॉड की जानकारी थी वो पार्टनर्स पर्सनली लायबल रहेंगे अभी अगेन आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा तो ये सारी बातें प्रूफ करने की ये कोर्ट में अगर प्रूफ होता है तो ही वो पर्सनली लायबल रहेंगे फिर देर मस्ट बी एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर को आप अंडरलाइन कीजिए आउट ऑफ वन शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया तो एनआरआईज

प्रेस्क्राइब फॉर्मेट रहेगा एल एक्ट में उसके हिसाब कॉम्पिटेंट इंस्पेक्टर मतलब यहाँ पे के पास पावर है कि वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके एल एल पी के मैटर्स में दखल अंदाजी कर सकते हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन भी किया जा सकता है तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए इन्वेस्टिगेट इन टू दफेयर्स ऑफ द एल एल पी फिर नेक्स्ट uh, लाइन में अंडरलाइन कीजिए कन्वर्ट इट फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी उनके पास ऑप्शन है कि वो एल एल पी में आ सकते हैं रजिस्ट्रार इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा पुराना अपना जो भी है वो डिसॉल्व करना पड़ेगा और नया एल एक्ट के अंडर उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर उनके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बराबर है हम आगे देखेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस उसी प्रोसेस के थ्रू उनको गुजरना पड़ेगा तो सब अगर बराबर रहा तो रजिस्ट्रार उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और द कंपनी ऑल असेट्स राइट्स ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू कंपनी शैल बी वेस्टेड इन एल एल पी सो फॉर्म एंड फर्म और द कंपनी स्टैंड डिजोल्व मतलब पुराना जो भी आपका स्ट्रक्चर था फर्म रहो या कंपनी रहो वो डिजोल्व हो जाएगा और सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज एलएलपी के पास आ जाएंगी तो मतलब आपको लायबिलिटीज से भी छुटकारा नहीं मिलेगा जो कंपनी की या पुराने फर्म की लायबिलिटी थी वो आपको एलएलपी एलएलपी को पूरी चुकानी पड़ेगी ठीक है एलएलपी कैन बी वाउंड अप आइदर वॉलंटरीली और बाय द ट्रिब्यूनल ठीक है वॉलंटरी मतलब क्या अभी आपका बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा तो आप खुद फाइल uh, कर दो ट्रिब्यूनल के पास केस और वो आपका वाइंडिंग अप कर देंगे ट्रिब्यूनल कब अप करेगा जब आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो रिटर्न वगैरह भर रहे नहीं हो ठीक है और ट्रिब्यूनल को लगता है कि यार इसको ये एलएलपी को चालू रखना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो ट्रिब्यूनल लैब के खिलाफ ऑर्डर इश्यू करेगा और बोल देगा कि इसको वाइंडिंग अप कर दो ठीक है फिर लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्लाई द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट मतलब क्या एलएलपी एक्ट में ऐसा बोला गया है कि बाय चांस अगर एक्ट में कुछ छूट गया हो या फिर एक्ट के कुछ चीजों का मतलब कुछ प्रोविजन का मतलब इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो तो ऐसे केसेस में आप कंपनीज के provisions, LLP को अप्लाई कर सकते हो एज गुड एज इट इज अ कंपनी तो उसको कंपनी समझ के कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगा दो हर टाइम क्या नहीं जहां पे एल एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं होगा या फिर लॉ जहां पे साइलेंट होगा वहीं पे ओके okay? तो अभी आ जाते हैं एडवांटेजेस के ऊपर इजी टू फॉर्म ओके

एडवांटेज क्या है लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी कैसी रहती है लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहती है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया नॉर्मल पार्टनरशिप के कंपैरिजन में देन परपेचुअल सक्सेशन ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है क्यों क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप uh, में हमने देखा था कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या वो इंसॉलमेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप को डिजोल्व करना पड़ता है बट यहाँ पे ऐसा नहीं है पार्टनर्स में कम एंड गो बट एल एल पी विल स्टैंड स्टिल इट विल परपेचुअली

एल एल पी वही की वही रहेगी सेम ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल बी देयर नेक्स्ट इज टैक्सेशन तो टन uh, ये टैक्सेशन वाला पॉइंट जो है ये सोल प्रोपरेटर के कंपैरिजन में नहीं है ये कंपनी के कंपैरिजन में है ठीक है सोल प्रोपरेटर के सोल प्रोपरेटरशिप uh, के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे टैक्स ज्यादा ही लगता है अभी कंपनी के कंपैरिजन में यहाँ पे टैक्स कम कैसे लगता है वो हम देखते हैं तो हमारी कंपनी जो है उसको uh, जब वो डिविडेंड बांटती है मतलब देखिए कंपनी जब पैसा कमाती है जब उसको प्रॉफिट होता है तब उसको इनकम टैक्स भरना ही पड़ता है बट जब वो डिविडेंड बांटती है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 115 ओ के हिसाब से उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी भरना पड़ता है मतलब कमाओ तब भी पैसा और लोगों शेयर होल्डर्स को पैसा बांटो प्रॉफिट बांटो तब भी आपको टैक्स भरना पड़ता है ठीक है बट एल एल पी में ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है तो यहां पे आ, आप पार्टनर्स को शेयर आसानी से दे सकते हो आपको कोई भी टैक्स यहां पे लगेगा नहीं बट फ्रेंड्स अभी अगर हम फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी की बात करें तो इसके बाद इसके बाद के जो आएंगे या आ, अगली बैच जो आपकी रहेगी जो टैक्स पड़ेगी तो फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी में ऐसा प्रोविजन लाया गया है कि वो डीडीटी को एबॉलिश कर रहे हैं डीडीटी को खत्म कर रहे हैं तो ये वाला जो एडवांटेज है आ, मतलब फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी जब से एप्लीकेबल होगा मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मतलब अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर से तब से ये पॉइंट वैलिड नहीं रहेगा ओके देन नो कंपल्सरी ऑडिट रिक्वायर्ड ठीक है कंपनी के केस में देखिए हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना ही पड़ता है बट एल के केस में ऑडिट कुछ ही लोगों को करना पड़ता है ऐसे कौन से एल रहती है जो इनको ऑडिट करना पड़ता है कि अगर उनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर गया तो और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन टोटल बोल रहा हूं एक पार्टनर का नहीं टोटल कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख के ऊपर गया तो उनको तो ही उनको ऑडिट करना है अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट के आप नीचे हो तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है देन फ्यूअर कंप्लाइंस अगेन ये पॉइंट कंपनी के एंगल से ही है एल को साल में बस तीन कंप्लाइंस करने पड़ते हैं दोस्तों बट कंपनी को वेरस बहुत सारे कंप्लाइंसेस रहते हैं वो तीन कंप्लाइंस कौन से हैं हम आगे डिटेल में उनको देखेंगे देन फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट तो देखिए जितना कंपनी का स्ट्रक्चर्ड रहता है एल एल पी एग्रीमेंट नहीं रहता है एग्रीमेंट की कुछ पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे बट वो फ्लेक्सिबल रहेंगे दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टनर्स ठीक है पार्टनर्स अपने हिसाब से एल एल पी एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं जैसे पार्टनरशिप में आपको फुल फ्रीडम है आप एग्रीमेंट जैसा चाहिए जैसा आपको ठीक लगे वैसा बना तो एल एल पी में भी वैसा ही है आप पार्टनर्स एग्रीमेंट जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप बना सकते हो आप उसमें कुछ भी पॉइंट आपके हिसाब से एड कर सकते हो उसको मॉडिफाई करवा सकते हो ठीक है तो इसके लिए एग्रीमेंट बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रहती है एंड इजी टू वाइंड अप तो बिजनेस ब, चालू करना जितना आसान होना चाहिए उतना ही बिजनेस बंद करना भी आसान होना चाहिए ठीक है नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि बिजनेस चालू तो कर लिया बट अभी बिजनेस चल रहा नहीं और आपको बंद करना है बट फुकट में आप की वजह से उसमें अटके पड़े हो तो बिजनेस बंद करना भी आसान होना चाहिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है एल स्टार्ट करना जितना ईजी है उतना ही बंद करना भी ईजी है बट यहाँ पे एक कंडीशन है आपको जो भी पेंडिंग कंप्लायसेस है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे अगर आपने थ्रू आउट कंप्लायंस ठीक तरीके से किए हैं तो आपको वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी आसानी से मिल जाएगा अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स कैपिटल मार्केट मतलब सीधा सीधा आप समझ लो स्टॉक मार्केट ओके शेयर मार्केट जो अपना बीएससी एनएससी रहता है ना वैसा तो ये क्या डिसएडवांटेज हो गया भला तो एज अ कंपनी आप जनरल पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर सकते हो जनरल पब्लिक आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है बट एज अल एल पी आप जनरल पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकते हो आपके पास गिने चुने पार्टनर्स ही रहेंगे और उतने ही पार्टनर्स आपके बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप शेयर्स मतलब कंपनी की तरह शेयर्स नहीं बांट सकते जनरल पब्लिक से पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करवा सकते हो ठीक है विद दिस रेस्ट्रिक्शन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट आउटसाइड इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स

फेक्ट्स देर इंटरेस्ट मतलब यहां पर कैसा है वन वोट वन वन शेयर वाला सिस्टम नहीं है जैसे कंपनी में कंपनी के पास अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक वोट दे सकते हो बट यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर्स के साथ ना इंसाफी हो जाए

डिस्लोजर ठीक है तो यहाँ पे क्या है? एनुअल रिटर्न का compliance है और uh, annual filing का है। है तो जो भी LLP है ना, उसको और और अपने financial statement, uh, LLP registrar के पास फाइल करने पड़ते हैं। एक बार ये रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट्स चले गए तो कोई भी बंदा एक प्रिस्क्राइब फीस देखे वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है और आपके अकाउंट्स वगैरह पढ़ सकता है तो हम यहाँ देखेंगे

एडवांटेजेस में भी डिस्क, uh, बोल रहा सॉरी फीचर्स में भी डिस्कस किया है से कम से कम एक रेसिडेंट चाहिए तो मान लो कोई है या फिर कोई फॉरेन का बंदा है उसको इंडिया में आके एल फॉर्म में अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है अनलिस उसके पास कोई ऐसा बंदा हो जो इंडिया का रेसिडेंट हो और Uh, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए रेडी हो फिर एफ डी आई इन एल एल पी इज अलाउड ओनली थ्रू गवर्नमेंट रूट ओनली एंड दैट टू इन सेक्टर दोनली हंड्रेड परसेंट एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट अंडर दी आई पॉलिसी ठीक है दिस मेक्स एल एल पी एन अनअट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ये जो लास्ट पॉइंट uh, दो लाइन हमने डिस्कस की इसको आप मार्क करके कर रखो बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, लाइन है uh, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या बोल रहे हैं एफ डी आई पॉलिसी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो पॉलिसी क्या बताती है कि फॉरेन के लोग कौन से कौन से सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी uh, ये फैक्चुअल फिगर्स नहीं है बट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मान लो आपको एक ऑटोमोबाइल की कंपनी यहाँ पे शुरू करनी है और कुछ फॉरेन नेशनल्स है कुछ फॉरेन के लोग हैं जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है बट मान लो एफडीआई पॉलिसी क्या बोलती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बस थर्टी परसेंट एफडीआई अलाउड है मतलब क्या आप जितना भी टोटल कैपिटल लगाओगे वो कंपनी में उसके बस थर्टी परसेंट ही फॉरेन के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर वो नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर ये तो हो गई सेक्टर वाइज uh, क्या बोलते हैं उसको सेक्टर वाइज रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि ऑटोमोबाइल में इतना कर सकते हैं फार्मा में उतना कर सकते हैं डिफेंस में उतना कर सकते हैं डिफेंस है। में तो अलाउड ही नहीं है बट एविएशन में इतना कर सकते हैं एविएशन मतलब अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री एंड सो ऑन तो सेक्टर वाइज वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड है फिर उसके साथ साथ दो रूट रहते हैं एक रहता है गवर्नमेंट रूट या फिर जिसको अप्रूवल रूट भी बोल सकते हैं और दूसरा रहता है ऑटोमेटिक रूट तो ऑटोमेटिक रूट क्या रहता है यहाँ पे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों कोई फॉरेन नेशनल अगर कंपनी में आना चाहता है तो आप डायरेक्ट उससे पैसे ले लो आप उसको शेयर्स इश्यू कर दो कोई आपको रोकेगा नहीं बट जहां पे अप्रूवल uh, रूट आता है या फिर गवर्नमेंट रूट आता है वहां पे वो फॉरेन नेशनल को पहले गवर्नमेंट के पास अप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना है अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दी तो ही वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा होपफुली आपको ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट भी क्लियर हो गया होगा और सेक्टर वाइज जो कैपिंग है जित कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं कितना परसेंट नहीं कर सकते वो भी आपको क्लियर है तो अभी हम इस पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं तो देखिए एलएलपी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एल एल पी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही एल एल पी में अलाउड है ऐसे ही एल एल पी में अलाउड है जहां पे हंड्रेड परसेंट एफ डी आई है दो सेक्टर है एक है एविएशन सेक्टर मतलब फ्लाइट का सेक्टर और दूसरा है एंटरटेनमेंट का सेक्टर ठीक है मान लो आप प्रोडक्शन हाउस हो जैसे धर्मा प्रोडक्शन है ना करण जोहर का वैसा तो मान लीजिए एंटरटेनमेंट हाउस या प्रोडक्शन हाउस में एफडीए uh, पॉलिसी के हिसाब से आप हंड्रेड परसेंट फॉरिन इन्वेस्टमेंट ला सकते हो बट एविएशन में बस आप थर्टी परसेंट ला सकते हो अगेन दिज आर एग्जाम्पल फिगर्स ओके बस थर्टी परसेंट ला सकते हो तो क्या आप एविएशन में एल जी हाँ शुरू कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं बट क्या एविएशन में आप फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्ट करवा कर सकते हो बिल्कुल नहीं क्योंकि वहां पे बस थर्टी परसेंट अलाउड है और एल में एफडीआई वही अलाउड है जहाँ पे हंड्रेड परसेंट है ऑन द अदर हैंड आपका जो प्रोडक्शन हाउस है जैसा धर्मा प्रोडक्शन कि वहां पे आप एल एल शुरू कर सकते हो बिल्कुल शुरू कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं क्या वहां पे फॉरेन कैपिटल आ सकता है बिल्कुल आ सकता है है क्योंकि क्योंकि क्यों वहां पे 100% एफडीआई अलाउड बट अगेन एक और कंडीशन यहाँ पे आती है यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट रूट मतलब क्या अप्रूवल रूट के थ्रू ही आएंगे तो आप अगर प्रोडक्शन हाउस हो आपके पास हंड्रेड परसेंट एफडीआई अलाउड है स्टिल हो सकता है कंपनी के लिए वो ऑटोमेटिक रूट से आ जाए मतलब बिना परमिशन लिए आ जाए बट बींगी आपको हमेशा अगर फॉरन इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में लानी है तो हमेशा आपको परमिशन गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी okay? थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था ये, मैं चाहूंगा अगर समझा नहीं होगा तो वापस एक बार थोड़ा लेक्चर को रिवाइंड करके आप इसको अगेन सुन लीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ठीक है तो ये डिसएडवांटेज है ये किसके कंपैरिजन में डिसएडवांटेज है अगेन सोल प्र और पार्टनरशिप वहां पे तो कोई लॉ नहीं है वहां पे कोई कंप्लाइंस नहीं है तो वहां पे कोई ऑफेंस पेनल्टीज भी नहीं लगती है बट यहां पे अगर आप एल एक्ट के कंप्लेनसेस को फॉलो नहीं करते हो तो आपको फीस uh, वगैरह भरनी पड़ेगी पेनल्टी भी सफर करनी पड़ सकती है और हो सकता है इनप्रेजेंटमेंट भी सफर करना पड़े ठीक है एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी अभी uh, ये क्या बात हुई भाई एडवांटेजेस में बोल रहे हैं कि इजी टू क्लोज बिजनेस और डिसएडवांटेज में बोल रहे हैं कि एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी ऐसा क्यों बोला तो देखते हैं तो यहाँ पे आप हेडिंग को ध्यान से पढ़िए दोस्तों एग्जिट ऑप्शन आर नॉट इजी इन केस ऑफ डिफॉल्ट मतलब अगर आप दूध के धुले हो तो इजिली एग्जिट कर सकते हो बट आपने अगर कुछ गलती की है कुछ नॉन कंप्लायस किया है तो उस केस में आपको एग्जिट ऑप्शन इजिली अवेलेबल नहीं है देखते हैं बुक में क्या दिया है अ एल एल पी डिफॉल्टेड इन फाइलिंग

बट यहां पे वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है अगर आपने कुछ नॉन कम्प्लायंस किया है तो आप पहले वो कम्प्लाय को करो उसके ऊपर की जो भी एंड पेनल्टीज है वो भरो फिर ही आपको बिजनेस बंद करने देंगे ठीक है एंड लिमिटेशन इन ईसीबी लास्ट डिसएडवांटेज लिमिटेशन इन ईसीबी मतलब क्या दोस्तों ईसीबी मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग मतलब क्या दिखने में बहुत फैंसी वर्ड लगता है बट मीनिंग इसका बहुत सिंपल है देखिए मतलब इंडिया छोड़ के किधर से भी आप बाहर से लोन लेते हो तो उसको ईसीबी बोल देंगे ठीक है मान लो आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो आपके चाचा अमेरिका में रहते हैं आपने चाचा से लोन लिया वो इंडियन सिटीजन नहीं है एनआरआई है आपने चाचा से लोन ले लिया दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ठीक है आप यहाँ पे बिजनेस करना चाह रहे हो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन नहीं लिया बट अमेरिका के, अमेरिका के अ, सिटी बैंक से लोन ले लिया मान लो अमेरिका के ब्रांच से तो वो हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरइंग आपको बॉन्ड्स डिबेंचर्स इशू करने हैं आपने इंडियन पब्लिक को इशू नहीं किए आपने फॉरेन के लोगों को बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशू कर दीजिए वो हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल मतलब ऐसा कौन सा भी लोन जो बाहर से लिया गया हो बिजनेस करने के लिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बट यहाँ पे डिसएडवांटेज से क्या लेना देना ये पॉइंट का तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आर नॉट अलाउड टू रेस ईसीबी मतलब वो फॉरेन से लोन नहीं ले सकते अगर एफ डी में भी रेस्ट्रिक्शन है मतलब कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन में भी रेस्ट्रिक्शन है और इधर लोन के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है अवेल कमर्शियल लोन फ्रॉम इट्स पार्टनर्स एंड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया मतलब क्या फॉरन के लोगों से बेसिकली वो लोन नहीं ले सकते एफ आई आई मतलब क्या फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या देखिए एक होता है एफ डी आई एक होता है एफ आई आई मतलब मतलब क्या? वो ट्रूली आपके पार्टनर बनना चाह रहे हैं, ठीक है? है तो मतलब, आ, मान लो आपकी आ, ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है मान लेते एग्जाम्पल अभी डोकोमो जापान की कंपनी है और मान लो आप जियो के ओनर हो ठीक है आप जियो के ओनर हो और एक डोकोमो जापान की कंपनी है वो भी टेलीकॉम में आप भी टेलीकॉम में अभी डोकोमो को क्या करने का है कि आपके इंडिया में आने का है ठीक है और मान लो आप जियो हो आपके पास एक थोड़ा बहुत एरिया है बट आपको और एक्सटेंड करना है तो डोकोमो आपसे आता है मिलता है और बोलता है कि देखिए आपके टू थ्री स्टेट्स में प्रेजेंट है बट आपको इसको ऑल ओवर इंडिया करना होगा आप बोलोगे जी हाँ ऑल ओवर इंडिया मे को अपना नेटवर्क फैलाना है तो वो क्या बोलेंगे हमारे साथ टाइप कर लो आज से अपना नाम जियो डोकोमो कर देंगे और आप बाकी जो पूरे स्टेट्स में इन, इन्वेस्टमेंट लगेगी वो हम करेंगे और अपन मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे ये हो गया एफ दोस्तों एफडीआई में जो इन्वेस्ट करता है ना उसको बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट रहता है और एफ क्या रहता है वो जस्ट लोग है ना वो इन्वेस्टमेंट करना बोल के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उनको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं रहता अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैं एक लोकल लेवल का एग्जाम्पल लेता हूँ आप मान लो आप अगर बजाज के डायरेक्टर बनते हो बजाज ऑटो के डायरेक्टर बनते हो तो आपको बजाज कंपनी चलाने में इंटरेस्ट है बट आप बस स्टॉक मार्केट में से चार पांच शेयर परचेस कर लेते हो बजाज के तो आपको बिजनेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने बस इन्वेस्टमेंट बोल के पैसा इन्वेस्ट किया तो यही फर्क है एफडीआई में और एफ में एफडीआई में फॉरन का बंदा डायरेक्टर है और एफ में फॉरन का बंदा जस्ट आपकी तरह एक बस शेयर होल्डर है उसको बस पैसा कमाना है उसको बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है तो ये हो गया एफ और एफडीआई का डिस्टिंक्शन होपफुली आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एकदम क्लियर होंगे और जो भी हमने स्टार्टिंग में फीचर्स क्लियर डिस्कस किए वो आपको क्लियर होंगे आपके डाउट होंगे तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या फिर फील फ्री टू पर्सनली कॉन्टैक्ट मी ओके बचा हुआ पार्ट हम ने, आ, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू